के कानून के मुताबिक एक तरीका है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत वो पार्लियामेंट में पहुंचना चाहती है और उस पार्लियामेंट में बैठकर इस मुल्क की अकलियत की आवाज बुलंद करना चाहती है, तो उसमें क्या आपको काम नहीं करना चाहेंगे? बताइए आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? हाथ उठा के बताइए सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? शुक्रिया, यही होना चाहिए। आप सपोर्ट करेंगे, आप अपनी दुआओं से नवा देंगे मार्गे करवा जी को। लेकिन इससे आगे बढ़कर मैं आपसे और गुजारिश करना चाहता हूं, दो तीन दिन चार दिन का वक्त बचा है, बंबई से मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ इसलिए कि अपने भाइयों को समझा सकूं कि पिछली दफा की तरह अपने वोटों का बंटवारा ना कर। बहुत सारे लोग, चुनाव आता है, इलेक्शन आता है, मुझे बताया गया कि यहाँ भी कोई भाई साहब हमारे खड़े हो गए हैं, क्या वो जीत सकते हैं? अगर जीत सकते हैं तो हम लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं। जब जीत नहीं सकते, वोटों का बंटवारा करके, वोटों का तकसीम करके, वोटों का डिवीजन करके, क्या आप फिर ऐसे शख्स को चुन के लाना चाहते हैं जिस आदमी के ऊपर 60 से ज्यादा के चुनाव कमीशन के अंदर डिक्लेयर किया गया है, ऐसे गुंडे को आप चुन के लेकर देना चाहते हैं? ये फैसला करने का काम आपको करना होगा। जिस शख्स के अंदर अकलियतों के खिलाफ जहर उगलने का काम मुल्क के पार्लियामेंट के अंदर 5 साल तक किया, जिस शख्स ने, जिसकी पार्टी ने मार्गे अलवा जी के खिलाफ सिर्फ इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने वेबसाइट के ऊपर इनके खिलाफ गलत गलत इल्जाम लगाया कि ये प्रो अकलियत है, प्रो माइनॉरिटी है, प्रो मुस्लिम है, ऐसा इल्जाम लगाती है जो पार्टी, और उस पार्टी से लड़ने का काम मार्गे अलवा करने के लिए आज आपके बीच में है, तो उसको ताउन करना, उनको सपोर्ट करना, उनको दुआ देना, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। भटकल की 23 तारीख को जिस तरह हम अपने इस मुल्क में अपने इस देश के नागरिक समझते हैं, इस रियासत का एक रियासत का रहने वाला, एक रियासती एक आदमी अपना इंसान समझते हैं, इस भटकल का रहने वाला एक शहरी हम अपने आप को समझते हैं, हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस मुल्क के डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जैसे हम रोजमर्रा के काम के लिए सवेरे में उठते हैं, अपना दीनी फरीजा अंजाम देते हैं, फजर में उठ के मस्जिद में जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, घर आते हैं, सारे काम से फारिग होते हैं, तिजारत के लिए दुकान खोलते हैं, दुकान में जाते हैं, दुनियादारी जिंदगी अपनी बिताते हैं, तिजारत करते हैं, उसी तरह से 23 तारीख को सबसे पहला और जिम्मेदारी का काम आपको करना होगा। ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, 23 तारीख को सवेरे आप उठे, मस्जिद में जाए, फजर की नमाज अदा करें, घर पे आए, और घर पे आने के बाद पोलिंग अपने आपके नजदीक का जो पोलिंग सेंटर हो वहां पे जाए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहिए, नसरुल मिनल्लाह है, फतहुल करीम पढ़े और बटन दबाए और हाथ के पंजे पर मार्गे अलवा जी को भारी वोटों से चुन के दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजे। ये गुजारिश बम्बई और महाराष्ट्र के मुसलमानों की तरफ से आपको मैं करना चाहता हूँ।